हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल दिस इन द क्रैश कोर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई आई टी एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विच इज़ गोइंग टू हेल्थ इन फेबरुअरी सेकेंड वीक ऑफ़ फेबरुअरी वीकेंड पे एंड दीज आर माई क्रीडेंशियल्स एंड टू डेज टॉपिक इज इकोलॉजी जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एंड बायोजियोग्राफिकल रूल्स ऑफ सर्वाइवल इसे क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा बनी रहती है और यस yes, वेलकम राजीव एंड प्रशोन तो यहाँ इकोलॉजिकल एंड बायोजियोग्राफिकल रूल्स ऑफ सर्वाइवल के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे डेली लाइव क्लासेस हैं जहाँ आप अपने फेवरेट एडुकेटर्स से चैट कर सकते हैं यू कैन इंगेज इन डिस्कशंस आज योर डाउट एंड आंसर पोल्स, ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज चलते रहते हैं जहाँ पे आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को इवेलुएट कर सकते हैं मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस various structured courses are also available on this platform and all these courses are structured in line with your exam syllabus to help you best prepare for it that too with unlimited access where one subscription get you access to all the live and recorded uh, classes to watch from the comfort of any of your device फ्री लाइव क्लासेस भी यहाँ चलते रहते हैं जैसे मैं अभी क्रैश कोर्स का ये फ्री लाइव क्लास यूट्यूब चैनल पे ले रहा हूँ एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब आई नॉट ओनली लिमिटेड टू आई आई एनी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन एट आई अन एकेडमी प्लेटफॉर्म यूज़ यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड एज ज़ीरो जीरो वन फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट एंड ये आई आई टी सब्सक्रिप्शन जैम के लिए Uh, 2022 का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये वन मंथ uh, से लेकर 24 मंथ तक के कोर्सेज इस पर अवेलेबल हैं यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ना हम लोग आज चर्चा करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इकोलॉजी का यस आकांक्षा वेलकम दैट इज बायो जियोग्राफिकल रूल एंड इकोलॉजिकल रूल ऑफ सर्वाइवल तो सबसे पहले ये इकोलॉजी का पार्ट है तो जान ले कि इकोलॉजी है क्या ये रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एज वेल एज देयर नेचुरल इन्वायरमेंट के स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं एंड देयर आर सम इकोलॉजिकल रूल्स विच डिसाइड द एनिमल सर्वाइवेबिलिटी इन देयर हैबिटेट अब ये रूल्स सर्टेन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं और पहले हम लोग उस साइंटिफिक प्रिंसिपल को पढ़ें फिर उसके बाद हम लोग वेरियस रूल्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ये जान लें कि बायोलॉजिकल रूल्स या लॉ क्या है ये जनरलाइज्ड लॉ या प्रिंसिपल बोलिए या रूल ऑफ थंब बोलिए फार्मुलेटेड टू डिस्क्राइब पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना अबाउट द इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी ऑफ दीज रेगुलरिटीज़ ऑफ इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी आर नेम्ड आफ्टर द बायोलॉजिस्ट इसमें से जितने भी रूल हम लोग पढ़ेंगे उनमें से ज़्यादातर ज़्यादातर क्या आज जो हम जितने सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं वो सब के सब उसके डिस्कवरर पे ही या जो जिन्होंने उस लॉ को देखा उस नेचुरल फिनोमिना का देखा उन्हीं के नाम पे ये डिस्क्राइब किया गया है एक वर्ड आता है होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस है क्या <coughs> एक ऐसा प्रोसेस जहाँ ऑर्गेनिजम्स मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन इज नोन एज होम्योस्टैसिस राइट और इसमें हम लोग टर्म पढ़ते हैं होम्योथर्मिक पोइलोथर्मिक ये yes, सर यस yes, वेलकम प्रशोन नाउ उससे पहले हम ये जान ले ये साइंटिफिक प्रिंसिपल देखिए एक सेल है जिसका कि रेडियस अगर हम वन मिलीमीटर mm मान लें तो उसका सरफेस एरिया एज वी नो कि सरफेस एरिया आपका कितना होगा फोर पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम शुड विल बी फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब नाउ अगर आर के जगह पे वन रखें वंस टू रखें आर के जगह पे एक बार दो रखें तीन रखें और इन सब केस में सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज टू सरफेस एरिया का रेशियो निकालें तो आप देखिएगा कि इफ द आर इज़ वन न uh, जो आपका जो रेशियो uh, है वो थ्री के आसपास है आर इज इक्वल टू अगर टू रखते हैं तो उस कंडीशन में हमको ये रेशियो घट के वन पॉइंट फाइव आएगा आर अगर हम थ्री रखते हैं थ्री मिलीमीटर देन दिस रेशियो अगेन और घट के वन आ जा रहा है इससे हमें कुछ इससे हम कुछ निष्कर्ष पे निकल सकते हैं निकाल इसे कुछ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं और वो क्या आप देखिए कि पहले तो समझ लें कि एज अ सेल ग्रोज बिगर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसका इंटरनल वॉल्यूम इन हो रहा है एंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सपैंड बड़ा होने का मतलब वॉल्यूम इनलार्ज होना और मेम्ब्रेन भी बाहर से क्या होगा एक्सपैंड होगा लेकिन वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट होगा ना वो मोर रैपिडली होगा इन कंपैरिजन टू सरफेस एरिया सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल टू पास मटेरियल टू अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सेल एस डिक्रीज़ेस। मतलब क्या है कि अगर ये मेरा सरफेस है ये इंटरनल वॉल्यूम है अगर डिस्प्रोपोर्शियोनेटली अगर दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है हाँ ये बाई थ्री पाई वेरी गुड राजीव तो डिसप्रोपोर्शनल मीन्स कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है और सरफेस एरिया उसके मुकाबले कम इंक्रीज कर रहा है राइट right? उस कंडीशन में अगर हम एक आ, फैक्टर हीट की बात लें तो अगर अंदर में शरीर के अंदर या सेल के अंदर अगर हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है तो उसको बाहर निकलना भी है तो उस प्रोपोर्शन में चूंकि सरफेस एरिया इन लार्ज नहीं हो रहा है सो द हीट जो कम्स आउट बाहर निकलेंगे वो वो कम निकलेंगे क्यों क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो हीट का प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा हो रहा है लेकिन उस प्रोपोर्शन में हीट बाहर नहीं निकल रहा है right? राइट तो इसी कारण से ये होम्योथर्मिक एनिमल जैसे हम लोग कहे जाते हैं तो हमेशा इस अभी वेरी कोल्ड चिल्ड टेम्परेचर है लगभग दस इसमें यहाँ पे जहाँ पे हम हैं वहाँ पे लगभग एलेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास अभी है एलेवन और ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो इंटरनल टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट है और वो हायर बॉडी टेम्परेचर है तो इस नाते अगर हम एक टर्म पढ़ते हैं फिजिक्स में जिसको बोलते हैं जेरोथ लॉ और लॉ में हम यही पढ़ते हैं कि कोई एक बड़ी ए जो हायर टेम्परेचर पे है सपोज़ ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है और कोई बड़ी बी जो कि लोअर टेम्परेचर पे है और वो सपोज़ 40 डिग्री सेल्सियस पे है तो इन दोनों को अगर हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है राइट तो हम अपने इन्वाट से कंडक्टिंग मीडियम वाया एयर ही सपोज जुड़े हुए हैं ठीक है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई होगा तो नेचुरली इट विल जो हीट होगा शरीर के अंदर से बाहर आएगा ने, ने, नेचर में डिसिपैट करेगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है नहीं होने का कारण क्या है कि वॉल्यूम इंटरनल जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है और हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और जिस अनुपात में हीट का सिंपली ये समझिए कि जिस अनुपात में बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है जिस प्रोपोर्शन में उस प्रोपोर्शन में शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है क्यों क्योंकि सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम स्मॉल है ठीक है सो so, यही हमने यहां पे लिखा कि वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन डज़ द सरफेस एरिया और ये रेशियो से आप समझ सकते हो मैथमेटिकली सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल टू पास मटेरियल्स टू अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सेल स्टीडली डिक्रीजेस राइट एंड द सर्फेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो गेट्स स्मॉलर एज द सेल गेट्स लार्जर इट मीन जनरली हम ये मिसकसेप्शन हमको रहता है कि जहाँ बॉडी साइज लार्जर होगा तो उसका सरफेस एरिया लार्जर होगा नहीं इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम सरफेस एरिया कम है एक बच्चे का अगर सरफेस एरिया देखें एक बड़े के मुकाबले इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम तो वो ज़्यादा मिलेगा एडल्ट के मुकाबले राइट right? सो so, द सर्फेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो गेट्स स्मॉलर एज द सेल गेट्स लार्जर आप देखिए यहाँ सेल स्मॉलर है तो रेशियो सर्फेस एरिया इज टू वॉल्यूम थ्री है अगर लार्जर हुआ तो सरफेस एरिया इज़ टू वॉल्यूम का रेशियो वन पॉइंट फाइव है और लार्जर हुआ तो रेशियो वन के आसपास यानी डिक्रीजिंग मैनर में है तो इस कंडीशन में अगर छोटा सेल है इट विल डिसीपैट हीट मोर रेरलीन बिगर सेल क्यों क्योंकि इस कंडीशन में बड़े सेल बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा है रेडियस बड़ा है तो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो बहुत कम है यानी कि जिस प्रोपोर्शन में हीट का प्रोडक्शन होगा शरीर के अंदर उस प्रोपोर्शन में वो सरफेस एरिया उसको डिसिपैट नहीं करेगा इन्वायरमेंट में दस इफ़ द सेल ग्रोज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट नॉट इनफ मटीरियल विल बी एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन फास्ट इनफ टू एकोमोडेट द इनक्रीज सेल्यूलर वॉल्यूम ठीक है ये हर एस्पेक्ट में ले सकते हैं मैं यहाँ पे हीट डिसीपेशन की बात कर रहा हूं और अगर सेल का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो आप देखते हैं सेल जनरली क्या होता है डिवाइड कर जाता है सेल का डिविजन हम भी वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कारियो प्लाजमिक इंडेक्स हम्म hmm. hmm. हाँ यस बिल्कुल सही है आप हाँ बड़ी साइज सिर्फ हाइट मतलब बड़ी साइज ही ले लो पूरा ठीक है ना तो उससे हम कहेंगे तो सेल का जो आ, डिवीजन सेल साइकिल जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी पढ़ते हैं ये कि सेल न्यूक्लियर कार्डियो प्लाज्मिक इंडेक्स वहाँ पे पढ़ते हैं के आई और वहाँ पे न्यूक्लियस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म टोटल सेल का वॉल्यूम हम लोग लेते हैं राइट तो एक वजह डिवाइड करने का ये भी है कि अगर वॉल्यूम इनक्रीज़ कर गया तो इसके अंदर या बाहर जो मटेरियल्स की आवाजाही होनी चाहिए वो भी रैपिडली होना चाहिए लेकिन चूंकि सरफेस एरिया स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम तो उस अनुपात में उस प्रोपोर्शन में ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो पाता है नहीं हो पाता है तो अल्टीमेटली सेल को एक सिग्नल मिलता है कि भाई अब डिवाइड कर लो क्यों क्योंकि सही सही कुछ भी नहीं मिल रहा है डिवीजन करेंगे तो ज्यादा से सरफेस एरिया भी इनलार्ज होगा और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी ज्यादा होंगे यस yes, वेलकम नीरज हाँ सही पकड़े हो ठंडे प्रदेश में हाइट ज्यादा होगा तो वही जैसे पोलर बियर की बात करिए आप सिंपली लीजिए तो पोलर बियर क्यों साइज़ में बहुत बड़ा है लेकिन इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया बहुत ही रिड्यूस्ड होता है और वो वेल well अडेप्ट होता है उस माहौल में कि अंदर की गर्मी को अंदर ही रख सकें काफ़ी दिनों तक ठीक है और आ, जल्दी आ, हीट को शरीर से जल्दी हीट को DC पैट ना करें क्योंकि सरफेस एरिया इज़ लोअर In comparison to volume. So, when this happens, the cell must divide into a smaller. हमने यहां पे ये बताया, की की बात की और यहां पे हमने क्या बताया? कि मटेरियल विल बी एबल टू क्रॉस द मेमब्रेन फास्ट इनफ टू अकोमोडेट द इनक्रीज सेल्यूलर वॉल्यूम तो इस कंडीशन में क्या है एक उसको सिग्नल मिलेगा द सेल मस्ट डिवाइड इनटू टू ए स्मॉलर सेल्स फेवरेबल सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो और सीज टू फंक्शन या तो डिवाइड करेगा नहीं तो पेरिश करेगा ठीक है दिस इज वाई सेल्स आर सो स्मॉल ओके नाउ अब ये सरफेस उसी को हम दूसरे एस्पेक्ट में देखें कि सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो आप देखिए कि हीट फ्लो यहां पे सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो फोर इज टू वन का है तो हीट का फ्लो चार गुना होगा और जेनरेशन वन सरफेस एरिया फोर टाइम्स है वॉल्यूम वन है यूनिट है तो वॉल्यूम जितना हीट का फॉर्मेशन होगा जेनरेशन होगा उससे चार गुना ज़्यादा हीट का डिसीपैशन होगा नाउ सेकेंड केस में अगर सरफेस एरिया ये टू यूनिट अगर इसका साइड uh, ले लें तो उस कंडीशन में आपका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो टू इज टू वन आएगा राइट right? तो हीट फ्लो टू टाइम्स देन हीट जनरेशन होगा ठीक है और अगर ये थ्री यूनिट अगर हम ले लेते हैं तो आपका हीट फ्लो और सरफेस एरिया वन इज टू वन का रेशियो आएगा यानी जितना सर, जितना हीट जेनरेट होगा उतना ही हीट फ्लो भी होगा सेम रेट से सरफेस एरिया से और बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे देखते हैं कि हीट का फ्लो का जो रेट है सरफेस से वो डिक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू हीट जनरेशन यानी वॉल्यूम के रेशियो में ठीक है नाउ अब इसको हम लोग समझते कैसे हैं ठीक है यह है कि एनिमल्स जनरेट हीट इंटरनली इन प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम शरीर के अंदर जो हीट कर प्रोड्यूस करेगा वो किसके प्रोपोर्शन में होगा वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में लेकिन एनिमल्स लूज हीट एक्सटर्नली इन प्रोपोर्शन टू देयर सरफेस एरिया इट ये करेक्ट है कि सेल के अंदर वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा लेकिन सेल से बाहर इन्वायरमेंट में जो हीट डिसीपैट करेगा इट विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर सरफेस एरिया ओके तो इसका मतलब क्या हुआ <coughs> कि लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द एनिमल द मोर हीट इट कैन प्रोड्यूस जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा सिमिलरली सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो हीट का डिसीपैशन भी या हीट का फ्लो इन्वायरमेंट में भी ज्यादा होगा ठीक है नाउ बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स आर यूजली ग्रेटर दैन द आउटसाइड टेम्परेचर एज वी नो एनिमल्स का खासकर होमियोथर्मिक एनिमल का देखिए कि क्या होगा बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज ग्रेटर देन आउटसाइड टेम्परेचर होता है मीनिंग दैट फ्रिक्वेंटली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम एनिमल टू द आउटसाइड जैसा कि हमने लॉ बताया कि ए से बी की ओर जाएगा कब जब बी का टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर पे है इन कंपैरिजन टू बी 40 डिग्री सेल्सियस तो ऑलवेज हीट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तो एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आउटसाइड के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी एनिमल टू द आउटसाइड तो हम कम से कम हीट प्रोड्यूस करें सॉरीट uh, प्रोड्यूस करें बट उसका डिसी पैशन कम हो राइट right. तो नहीं तो वो जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है मेरे ऐट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन इनर्जी तो एनर्जी हमारा हीट को डिसिपेट करने में ही खत्म हो जाएगा दैट इज हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द एनिमल एंड फॉर अ मैमल हीट लॉस्ट टू द आउटसाइड वाया द सर्फेस मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय हीट ऑबटेन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड जितना हम बाहर डिसिपेट करेंगे हीट उतना हमको रिप्लेनिश करना होगा कैसे खाना खा करके ब्रेकडाउन ऑफ फूड के ऑक्सीडेशन से ओके okay? सो so, द ग्रेटर द सर्फेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ एन एनिमल द मोर हीट इट लूज इज रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम देखिए ये सब एर्सन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बना करके या दिया जा सकता है इसलिए ये सब वर्डिंग्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ सरफेस एरिया ज्यादा है इट विल लूज हीट मोर रेडली रिलेटिव टू इट्स प्रोडक्शन इन वॉल्यूम ओके एज एनिमल्स ग्रो इन साइज इसका मतलब क्या हुआ कि एज एनिमल्स ग्रो इन साइज दे आर इनसाइड वॉल्यूम गेट्स मोर बिगर देन दे आर आउटसाइड ओके द लार्जर द एनिमल द स्मॉलर द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो माइंड इट Larger the animal, smaller the surface area to volume ratio and so the less relative area there is to lose heat. This means that for identically shaped animals of different sizes, the large one will keep its temperature more easily. It means being bigger means being warmer. Size mein bade hain. तो वार्मर ज्यादा होंगे एग्जाम्पल बियर का मैंने बताया कि सरफेस एरिया इज लेस एज कंपेयर टू वॉल्यूम दस इट विल जनरेट मोर हीट एंड रेडिएट लेस मेकिंग देम सुटेबल फॉर लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट ओके अब एक सिंपल <coughs> ये क्वेश्चन आप लोग अपने इंड से देख सकते हो डिटरमाइन द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन द एनिमल्स लिस्टेड बिलो अगर माउस का सिक्स स्क्वायर इंच है सरफेस एरिया और वॉल्यूम वन क्यूबिक इंच है तो व्हाट शुड बी द एरिया टू वॉल्यूम रेशियो रैट का लेमिंग्स का लैब्राडोर जेबरा पोलर बियर एलिफेंट ये सब का मैंने बस दे दिया है क्यूरियस क्वेश्चंस आप अपने से खुद से इसको करके देख सकते हो आ, याद करने के लिए ये हमें याद नहीं करना है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है बट जो इसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे जहन में आ जाएँ इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड और वॉल्यूम वाई डू पीपल फोल्ड इसके अनुसार एक कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप अब इसके आधार पर आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं कि वाई डू पीपल फोल्ड देयर आर्म्स ओवर देअर चेस्ट और इवेन सिट हगिंग देअर नीज इस तरीके से टू देअर चिन वन दे आर कोल्ड ठंडे के मौसम में तिकुड़ के रहना क्यों करते हैं बिकॉज दे नीड लोअर सरफेस एरिया जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा शरीर के अंदर से डिसिपेशन ऑफ हीट ज़्यादा होगा बाहर की ओर और उतनी ही ठंड हमें लगेगी अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल लूज मोर टोटल हीट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक बच्चा एन इन्फेंट और एन एडल्ट अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यों क्योंकि यहाँ पे इन्फेंट में जो वॉल्यूम इज टू सर्फेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा ज़्यादा होगा इसलिए ये हीट को रेडिली डिसिपेट करेगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल लूज मोर हीट रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात है यहां पे रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम एन इन्फेंट और एन एडल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल नीड टू ईट द मोस्ट फूड एन इन्फेंट और एडल्ट किसको ज्यादा फूड खाना चाहिए एंड हु विल नीड टू ईट द मोस्ट फूड रिलेटिव टू साइज साइज के आधार पर इन्फेंट को या एडल्ट को तो आई थिंक यू आर नाउ कैपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवर प्रिंसिपल ओके चलिए अब हम बात करेंगे जल्दी जल्दी कुछ कुछ uh, जो रूल्स हैं और ये सारे रूल्स उससे आपके जहन में आ जाएंगे उस uh, पीछे जो हमने अभी सरफेस एरियाज टू वॉल्यूम का रेशियो uh, पढ़ा जो प्रिंसिपल उसी पर बेस्ड ये सारे प्रिंसिपल्स लगभग मिलेंगे कुछ को छोड़कर राइट right? तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बांट सकते हैं इक्टोथर्म या इक्टोथर्म को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं इसका मतलब क्या है इक्टोथर्म बॉडी टेम्परेचर जो होगा ना इन्वॉर्मेंटल टेम्परेचर से मैच करेगा जैसा बाहर का टेम्परेचर लगभग वैसा ही बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा ठीक है आ, जैसे फिश एम्फीबियंस एंड रेपेटाइल्स इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इंडोथर्म या वार्म ब्लडेड एनिमल इसका बाहर के टेम्परेचर से लेना देना नहीं अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा यानी मेंटेन दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय फिजियोलॉजिकल मींस एग्जांपल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड सम फिशेस इसमें आते हैं स्टेनोथर्म्स स्टेनो steno मतलब नैरो और यूरी मतलब वाइड तो ये एक फिगर से आप समझ सकते हैं एस्टेनोथर्म का मतलब ये हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को थर्म का मतलब ही क्या है हीट या टेम्परेचर से है तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर नैरो टेम्परेचर रेंज में ही वो रह सकते हैं राइट right? और कुछ वाइड टेम्परेचर रेंज में जीते हैं जैसे एक्टिविटी कुछ टेम्परेचर रेंज है ये आपका स्टेनोथर्म का एग्जाम्पल है जो कि इसका टेम्परेचर नैरो रेंज में है बस यहाँ से यहाँ तक के टेम्परेचर रेंज में ही जी सकता है अगर इससे और कम कर दें और ज़्यादा कर दें तो इट विल एक्सटिंक्ट डाई आउट उसी तरीके से यह भी आपका स्टेनोथर्म का एग्जाम्पल है नैरो टेम्परेचर रेंज बट बीच में आप जो ये देख रहे हैं ये यूरी थर्मल है यानी कि इसका टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है ओके सो यस वेलकम मिस्टर श्रीकांत इस इंडोथर्म वार्म ब्लडेड एनिमल को बोलेंगे जो कि बॉडी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को तो मेंटेन करेगा ही आ, बाहर के टेम्परेचर से उसको लेना देना नहीं है लेकिन बाहर अंदर के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको आ, बाहर अगर बहुत ठंड है तो अंदर का टेम्परेचर गर्मी वो बाहर जा सकती है या बाहर में गर्मी ज़्यादा है तो वो अंदर आ सकता है दैट कॉजेज सीवरिंग इन केस ऑफ कोल्ड एंड स्वेटिंग इन केस ऑफ हीट तो वो अनदर फिनोमेना हो गया आप एस्टेनोथर्म का मतलब हो गया स्टेनो का मतलब हो गया दे इन एरियाज वेयर टेम्परेचर रिमेन नियरली यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर एंड मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स पेंग्विन पाइथन क्रोकोडाइल ये सब के सब एग्जाम्पल हैं लेकिन यूरीथर्म में हमने क्या कहा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे यूरीथर्म्स वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को स्टैंड uh, करेंगे दे कैन टॉलोरेट लार्ज स्केल वेरिएशन इन टेम्परेचर लिव इन एरिया तो ये इक्टोथर्म इंडोथर्म एस्टेनोथर्म यूरीथम नाउ हमने पढ़ा कि एस्टेनो का मतलब हो गया नैरो एंड यूरी का मतलब हो गया वाइड ओके तो थर्म यानी हीट के आधार पर हम वर्ड यूज करें तो स्टेनोथाम एंड यूरीथाम यूज करेंगे यानी कि टेम्परेचर रेंज को वो शो करेगा स्टेनोथाम नैरो टेम्परेचर रेंज को यूरीथाम वाई टेम्परेचर रेंज को उसी तरीके से स्टेनोहाइड्रिक एंड यूरीहाइड्रिक ये वाटर रेंज को शो करेगा ठीक है स्टेनोहेलाइन एंड यूरी हेलाइन सैलिनिटी को हेलाइन सैलिनिटी को शो करेगा एस्टेनोफैगिक एंड यूरीफैगिक फूड रेंज को बहुत वेराइटी ऑफ फूड को कोई को खाता है कोई एक सर्टेन फिक्स्ड चूजी ज्यादा होना एस्टेनोफेगिक एस्टेनोसियस एंड यूरे, यूरेसियस हैबिटेट रेंज हैबिटेट वाइड रेंजिंग है तो यूरेसियस एंड नैरो रेंजिंग है तो एस्टेनोसियस उसको बोलेंगे ओके चलिए उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स की बात करें तो वहाँ पे तीन लेयर में उसको बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं ईपी अपर वाटर वॉम वॉम एंड वेल ऑक्सीजनेटेड होगा ऊपर सन का रेडिएशन भी अच्छा होगा एयर से इसका कांटेक्ट होगा तो एयर डिजोल्व भी अच्छे होंगे तो ईपी अपर पार्ट हुआ जिसमें कि वेल एयरेटेड एंड वेल लाइटेड होता है बीच वाले पार्ट को रेंज को हम लोग क्या बोल रहे हैं मेटालिमनियन एंड ये मिडिल लेयर है एंड रैपिड चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन यहाँ होता है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूछे गए हैं कई बार मेटालिमनियन इन तीनों में किसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन वेरी करता है तो मेटालिमनियन है मिडल लेयर ऑफ वाटर जहाँ पे आपको रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिलेंगे एंड सबसे नीचे आपको हाइपोलिमनियन है बॉटम लेयर ऑफ वाटर है जो कि कोल्ड होगा ऑक्सीजन में भी हाई और लो हो सकता है जनरली लो ही होता है ठीक है ये बॉटम लेयर और कोल्ड होने का कारण क्या है कि ये लाइट वगैरह भी यहाँ नहीं आते हैं बेंथिक जोन ये होते हैं तो so, इपिलिमनियन क्या हुआ कि आपका अपर स्ट्रैटम ऑफ वाटर विच इज़ एक्सपोज टू सोलर रेडिएशन एंड इट इज वार्मर ड्यूरिंग समर एंड कूलर ड्यूरिंग विंटर होता है मेटल इमनियॉन ट्रांजिशन जोन है इपिलिमनियॉन और हाइपोलिमनियॉन के बीच का एंड मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज occur in इट्स मिडल पार्ट कॉल्ड थर्मोक्लाइन तो मेटालिमनियन का जो बीच का पार्ट है ना ये पार्ट थर्मोक्लाइन कहलाता है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पढ़ा कि रैपिड चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन होता है लेकिन बीच वाले पार्ट में रेंज सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रैपिड होंगे इसलिए इसको हम लोग थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं नाउ हाइपोलिमनियन क्या है बेसल स्ट्रेटम वेअर वाटर इज ऑलवेज कूल बट एब फ्रीजिंग पॉइंट होगा एंड डेमेक्टिक लेक एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ये सब टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं हम लोग अभी इकोलॉजी में वही टॉपिक्स को जल जल्दीबाजी में करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है राइट तो डेमेक्टिक लेक किसको बोलेंगे ऐसा लेक जिसमें कि न्यूट्रिएंट का और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ट्वाइस इन ईयर साल में दो बार होगा एक बार स्प्रिंग में और एक बार ऑटम में दैट इज कॉल्ड डाइमेक्टिक या डिमेक्टिक लेके इसको बोलते हैं ओके okay? चलिए तो ये थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन अब हम लोग कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे देखिए हमने प्रिंसिपल तो पढ़ लिया सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम का रेशियो और कैसे इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा जिसके कारण हमने आ, एक बेसिक रूल पढ़ा कि हीट का पैशन या फिर मॉले इन्वामेंट से कुछ किसी चीज़ का एक्सचेंज वो आसानी से नहीं होगा अगर साइज बड़ा है तो तो इसी में कुछ रूल्स पढ़ेंगे और ये डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड होते हैं ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं जिसमें सबसे पहला आता है आपका अलेंस रूल यस okay. hmm. yes, पूजा कोड़ी वेलकम इट इज़ नेम्ड आटर असाफ आलैन जोयल असाफ आलैन इन्होंने 1877 में इसे डिस्क्राइब किया था और इन्होंने ये कहा कि बॉडी शेप एंड प्रोपोर्शंस ऑफ इंडो वैरी बाय बाई क्लाइमेटिक टेम्परेचर शेप और प्रोपोर्शन ऑफ इंडोथर्म्स क्लाइमेटिक टेम्परेचर के साथ वैरी करते हैं दूसरे अर्थ में इसको और दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ बॉडी फॉर होमियोथर्मिक एनिमल्स वेरीज विथ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हैबिटेट टू विच दे आर अडेप्टेड दैट इज द रेशियो इज लो इन कोल्ड क्लाइमेट एंड हाई इन हॉट क्लाइमेट बेस्ड ऑन एव प्रिंसिपल ओके या फिर देखिए हम कई तरीके से इसको स्टेट कर रहे हैं आपको यही स्टेटमेंट दे देगा हमने ये बहुत फेमिलियरली ये पढ़ा है कि एनिमल्स एडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट हैव शॉर्टर लिम्स एंड बॉडीली अपेंडेजेस देन एनिमल्स एडेप्टेड टू वार्मर क्लाइमेट ठीक है और इसको एलेन रूल्स के नाम से हम जानते हैं इसी को हमने दो अलग अलग वर्जन में भी लिखा है राइट तो ये अगर दे दिया जाए कि बॉडी सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम रेशियो होम्योथर्मिक एलिमेंट का वैरी करेगा एवरेज टेम्परेचर से तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए मीनिंग समझ में आना चाहिए और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए दैट इज़ इट मीन्स कि इट इज़ ऑल्सो आलायस रूल ओके तो ये इसको अब समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है शॉर्ट और लिम क्यों होते हैं कोल्ड क्लाइमेट में क्यों क्योंकि आ, साइज बड़ा होता शॉटर लिम्ब लिम्ब ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होंगे सरफेस एरिया ज़्यादा होंगे और हीट का डिसिपेशन क्या होगा ज़्यादा होगा नाउ द नेक्स्ट इज बैटस रूल हम ये जो भी जितने सारे रूल पढ़ रहे हैं ना वो ए बी सी डी के टर्मिनोलॉजीज में पढ़ते चलेंगे तो दूसरा ए के बाद आता है बैट्सन्स रूल और ये स्टेट्स करता है कि दैट एक्स्ट्रा लेग्स और मीर विद देयर नेबर्स एन एक्स्ट्रा लेग इन एन लेग सॉकेट ठीक है एक्स्ट्रा लेग जो होगा वो मीर सिमेट्रिक होगा विद देयर नेबर्स अब एक इसका बहुत ही अच्छा ये इन, इन्होंने विलियम वैटसन ने दिया था 1894 में तो जेनेटिस से इन्हीं के नाम पे ये बैट्सन्स रूल है और इसके सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप ये फ्रॉग देख रहे हो आ, कोरस फ्रॉग बोलते हैं सीडेक क्रिस सीवड क्रिस रेलीगा रेगीला सॉरी सीवडे क्रिस रेगीला है ये और इसमें एक्स्ट्रा लेग है ये और पता ये एक्स्ट्रा लेग जो है ना ये कैसे होता है दीज एक्स्ट्रा लेग्स एरोज आफ्टर द इन्वैशन ऑफ देयर हाइंड लिम्ब बर्ड्स बाई पारासीटिक फ्लैट वम एंडलिम का जो बर्ड होता है उसमें पारा सिटिक फ्लैट के इनवैशन से इन्फेक्शन से यह कब टेडपोल स्टेज में यह एक्स्ट्रा लेग का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है एंड ऑन बोथ हिट्स राइट एंड लेफ्ट इस केस में आप देखिए कि एक के ऊपर लेफ्ट जो लेग है ना लेफ्ट लेग नीचे है एक के ऊपर एक है बट राइट right वाला पार्ट जो है दोनों साइड बाई साइड एडजेंटली ज्वाइंट होता है ठीक है सो ऑन बोथ हिट्स राइट एंड लेफ्ट साइड दिस फ्रॉग हैज वन नॉर्मल लुकिंग हैंडलिम प्लस एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लिम्ब लोकेटेड पोस्टेरियरली एंड द एक्स्ट्रा लिम्ब ऑन द लेफ्ट साइड आर कंप्लीटली सेपरेट डिस्टली बट इनक्लोज इन अ कॉमन स्लीव एक ही एक ही स्लीव में ये इनक्लोज uh, होता है स्किन एट द थाई एरिया एंड द एक्स्ट्रा लिम ऑन द राइट साइड आर फ्यूज देखिए एक दूसरे से ये क्या है फ्यूज है एंड इन इन अ कॉमन स्लीव ऑफ ए स्किन थ्रू आउट मोस्ट ऑफ देयर लेंथ ठीक है तो ये uh, बैट्सन के द्वारा दिया गया एंड इट एपियर्स टू बी कॉज्ड बाई द लीकिंग ऑफ पोजिशनल सिग्नल्स एक्रॉस द लिंब लिम्ब इंटरफेस सो दैट द एक्स्ट्रा लिम्ब पोलैरिटी टू बी रेवर्स इसमें पोलरिटी रिवर्स हो जाता है ठीक है तो सिंपली बैट्सन रूल में हमको यह जानना है कि अगर ये तो इन वैशन के कारण हो रहा है लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा लेग हो रहे या एक्स्ट्रा अपेंडेजेस होंगे वो मीर सिमेट्रिक विदेयर नेबर्स होंगे ठीक है ये यस पैसेफिक रीजन में मिलेंगे यस पूजा पैसेफिक कोरस फ्रॉग हमने बताया इस ऐसे तो और भी इसके एग्जाम्पल हैं एक एग्जाम्पल आप नेट पे भी सर्च करो इसके एग्जाम्पल्स और भी मिलेंगे बैटसंस रूल के ये हमने यु, मुझे यूनिक मिला तो मैंने आप लोगों के लिए बताया ये पैसिफिक रीजन में मिलेंगे ओके दिस इज बैट्सन रूल नेक्स्ट वन इज बर्गमंस रूल बर्गमंस रूल क्या कहता है विद इन अ ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्सोनॉमिक क्लेड क्लेड के क्या है ये हमने पढ़ा है क्लेड के बारे में क्लासिफिकेशन uh, में मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है विदिन अ ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्सोनॉमिक क्लेड पॉपुलेशन एंड स्पीसीज ऑफ लार्जर साइज आर फाउंड इन कोल्डर इन्वायरमेंट्स एंड स्पीसीज ऑफ स्मॉलर साइज आर फाउंड इन वार्मर्ड एनवायरॉनमेंट इट अप्लाइज विथ एक्सेप्शन टू मेनी मैमल्स एंड बर्ड्स मैमल्स और बर्ड्स में इसमें एक्सेप्शन मिलेंगे देखिए मैमल्स के केस में इवन ह्यूमन बींग के केस में देख लीजिए अगर आप uh, mm, अफ्रीकन पीपल को देखते हैं तो वो लार्जर होंगे ओके इन कंपैरिजन टू अस बर्ड के केस में भी मिलते हैं और ये बगमन के द्वारा दिया गया था और इसका एग्जाम्पल है आप देखिए रेड फॉक्सेस फ्रॉम नॉर्दर्न एंड साउदर्न पॉपुलेशन ये साइज़ में बड़ा होगा ये छोटा होगा नाउ ये चीज़ एक यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि रिचर्ड हेस जो कि एक जर्मन इकोलॉजिस्ट थे प्रोपोज एन एक्सटेंशन ऑफ बर्गमस रूल का ही एक्सटेंशन उन्होंने प्रपोज किया और उन्होंने ये कहा ये इस हेसेज रूल को हार्ट वेट रूल के नाम से भी जानते हैं याद रखिएगा हार्ट वेट रूल एंड दिस रूल स्टेट्स दैट स्पेसीज इनहैबिटिंग कोल्डर क्लाइमेट हैव अ लार्जर हार्ट इन रिलेशन टू बॉडी वेट दैन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज इनहैबिटिंग वार्मर क्लाइमेट यानी कि कोल्डर <coughs> रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके हार्ट का साइज जो होगा relative to body weight होगा रिलेटिव टू बॉडी वेट ज्यादा ठीक है दिस वन इज बागम रूल नेक्स्ट एक आता है जिसको बोलते हैं डीप सी जिगेंटिज्म ये क्या है सिंपली कि जितने डीप सी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो काफी बेंथिक जोन या उसके हमने अगर आ, एम, इपिलिमनियोन मेटल इमनियन हाइपोलिमनियन की बात करें तो हाइपोलिमनियोनिक जोन में जो पाए जाएंगे ऑर्गेनिजम्स वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिगेंटिक होते हैं और ये हेनरी नोडिज मोसले द्वारा 1880 में देखा गया था उन्होंने बताया कि डीप सी एनिमल्स आर लार्जर देन देयर शैलो वाटर काउंटर पार्ट्स केस ऑफ मैराइन क्रस्टेशियंस द इंक्रीज इन साइज विद डेप्थ स फॉर द सेम रीजन एज द इनक्रीज इन साइज विथ लैटीट्यूड जो बर्गंस रूल में लैटीट्यूडल हम चल रहे हैं राइट right? और ये डेफ के अनुसार चल रहा है ठीक है बोथ ट्रेंड्स इन इन्वॉल्व इंक्रीजिंग साइज विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो प्रोपोज एक्सप्लनेशन फॉर दिस टाइप ऑफ जिगेंटिज्म इंक्लूड कोल्डर टेम्परेचर नीचे होने के कारण और हम जानते हैं कि कोल्डर क्लाइमेट में बड़ी साइज़ बड़ा होता है फूड की स्कारसिटी होगी तो जितना चूँकि वो एक्वेटिक है और फूड की स्कारसिटी है तो बॉडी का साइज भी उसका ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फूड गैदर करने की टेंडेंसी भी क्या होगी ज़्यादा होगी एंड रिड्यूस्ड प्रिडेशन प्रेशर एंड इनक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन द डीप सी ये सबके सब उसके कारक हैं ओके हम्म 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 हाँ बिल्कुल सही है वो भी सही है डेंस ब्लड तो डेंस ब्लड का मतलब क्या हुआ जी अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम तो होम्योथर्मिक है ना तो ब्लड की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होगी वहाँ अंदर का तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा साइज़ बड़ा होने के कारण हार्ट को पंप करने में आपको ज़्यादा प्रेशर लग सकता है हाइट बड़ा होने के कारण बट ब्लड की डेंसिटी से इसका कोरिलेशन नहीं है ओके नेक्स्ट इज कोप्स लॉ आप ये पढ़े हैं इवोल्यूशन में एरा में आपका ये हॉर्सेस का उद्भव इवोल्यूशन और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोप्स रूल का इट स्टेट्स दैट एनिमल पॉपुलेशन लीनियज लीनियज क्या है सबसेट्स ऑफ द इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ लाइफ सबसेट ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ लाइफ को हम लोग लीनियज बोलते हैं टेन टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम द रूल इज नेम्ड फॉर द पैलियंटोलॉजिस्ट इडवर्ड ड्रिंक कोप के कारण और इसमें एक वर्ड यूज करते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन जो कि इकोलॉजी में हमने इवोल्यूशन में हमने पढ़ा है यस प्रश्न हम्म तो ठंड में हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड जो है आ, की डेंसिटी बढ़ जाती है ब्लड की डेंसिटी बढ़ने का जो कारण है ना वो आपका डिजीज़ रिलेटेड हो सकता है नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्लड एक्चुअली ठंड के मौसम में आप देखोगे जो ब्लड है ना वो डीप और बिलो द स्किन मतलब स्किन में काफ़ी अंदर चले जाते हैं ताकि सर्कुलेशन के समय वो बाहर के इन्वामेंट से कम कांटेक्ट हो और हीट का डिसिपेशन कम हो राइट डेंसिटी कब बढ़ेगी आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है उसमें बैक्टीरिया वायरस आ गया है तो उससे डेंसिटी बढ़ेगी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा लीजिए जैसे कि डायबिटिक कंडीशन में होता है राइट तो वो सब कंडीशन में डेंसिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है हाँ अगर ठंड में बेयर बड़ी रह रहे हैं तो उस कंडीशन में हीट का डिप ज़्यादा होगा और अगर बाहर की ठंड ब्लड वेसल्स को कॉन्ट के कांटेक्ट में आ रहा है बाहर की ठंड ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आ रही है तब उस कंडीशन में क्या होगा उसमें जो उसकी फ्लूडिटी घटेगी तब घटेगी बट दिस इज नॉट द रीज़न ठीक है मेन रीजन हम ये मान के चल सकते हैं कि डिजीज कंडीशन हो जहाँ की उसकी डेंसिटी बढ़ती है ठीक है और ठंड लगना ठंड में हार्ट अटैक होने का कारण भी है डिसप्रोपोर्शनेट अगर हम ठंड अभी की ठंड में देखें जैसे बैठे हैं तो सर हाथ पैर ये ज़्यादा ठंड ये ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट तो डिसप्रोपोर्शनेट जैसे ही उंगली के पास या पैर के पास अगर ब्लड आ रहा है तो वहाँ पे अचानक से उसको ठंड या अब उसके ऊपर पार्ट में आ रहा है अचानक से गर्मी मिल रही है तो इस डिसप्रोपोर्शनेशन के कारण वो हो सकता है ओके चलिए कोप्स रोल क्या कहता है कि एनिमल पॉपुलेशन का जो लीनियज है टेन टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम ये डायरेक्शनल सिलेक्शन को बताता है कि देखिए हॉर्स में शुरू में कितना छोटा था उसको हम जेब्रा के रूप में देखते थे और कैसे उसमें हमने इसमें इवोल्यूशन में पढ़ा भी है कि वो टोड और उसका पैर का लंबा होना बड़ी साइज बड़ा होना धीरे धीरे, धीरे डायरेक्शनल डिरे यूनी डायरेक्शनल उसमें सिलेक्शन होते गया एंड दिस सिलेक्शन प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन बाय द नंबर ऑफ एडवांटेजेस बोथ इन टर्म्स ऑफ मेटिंग सक्सेस एंड सर्वाइवल रेट हॉर्सेज ओवर कीरा आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कोप्स रूल ओके नाउ ये कोप्स रूल था उसके बाद आता है डोलोज लॉ ऑफ इेवर्सिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंस के हैं डोलोज लॉ ये लुइस डोलो जो कि एक पैलियंटोलॉजिस्ट थे बेल्जियम के आ, उन्होंने 1893 में ये रूल दिया और उन्होंने कहा कि एन ऑर्गेनिज्म नेवर रिटर्न्स एग्जैक्टली टू अ फॉर्मर स्टेट इवन इफ इट फाइंड्स इट्स सेल्फ प्लेस्ड इन कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस आइडेंटिकल टू दोज इन विच इट हैज़ प्रीवियसली लिव्ड तो इसका हम जैसे कि सेल बायोलॉजी में भी एक एग्जाम्पल uh, लेते हैं हम बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कर लेते हैं राइट right? माइटोकॉन्ड्रिया को हम ये इंडोसिम्बायोटिक uh, थियरी में ये बताते हैं कि वो क्या होता था कि कभी ये स्मॉल हाईली ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया था राइट माइटोकॉन्ड्रिया वॉज वंस स्मॉल एंड हाईली ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और कभी इससे कोई बड़ा एक बैक्टीरिया इसको फैगोसाइटोज कर लिया फैगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर चला गया या फिर बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये कोप अप न करने के कारण खुद ही इससे एक शरण मांग लिया एंड नाउ इट गॉट इंटरनालाइज्ड इन टू द सेल लेकिन सेल जिस बड़े सेल में ये इंटरनालाइज हुआ ये सेल इसको खाया नहीं इससे काम इसको स्लेव की तरह रखा और ये इसके इसका हुनर देख करके कि चलो इसे ऑक्सीडेशन का काम करवाते हैं और ड्यू क्य्स में आज के डेट में इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं चलिए तो अब हम ये जान गए कि ये माइटो चूँकि कैसे जानते हैं एक तो एक सेमी ऑटोनोमस है दूसरा कि राइबोजोम्स इसमें उस आ, प्रोकारियोटिक सेल के मिले इसलिए तो अब हम ये जान गए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है आ, ये कभी प्रोकारियोट हाइली ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया था बैक्टीरिया आज भी है तो क्यों नहीं चलो इसको आजाद कर देते हैं इस सेल से निकाल करके बाहर इस माइटोकॉन्ड्रिया को रखते हैं और देखते हैं कि क्या इसका जीने का तरीका है बट इट विल नॉट सर्वाइव ठीक है अगर हम इसको बाहर निकाल करके रख दें और ये सर्वाइव करे एक बैक्टीरिया की तरह तब तो हमको ये मिलेगा कि ये रिवर्सिबिलिटी के लॉ को फॉलो कर रहा है बट इट नेवर सरवाइव्स इंडिपेंडेंटली तो यह भी आपको एक हम एग्जाम्पल बताइए ये भी आपको डोलोज लॉ ऑफ इिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है राइट सो दिस डोलोज लॉ ऑफ इवर्सिबिलिटी स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म नेवर रिपोर्टर्न एग्जैक्टली टू अ फॉर्मर स्टेट और ये टू डी में हम ये कहते हैं कि वन ओल्ड फॉर्म यहां है तो ये ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है या इवॉल्व फॉर्म है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नाइन्थ फॉर्म आया लेकिन हम कभी भी इसको घुमा करके और फिर इस तरीके से वापस यहाँ नहीं ला सकते हैं राइट इट विल नेवर अकर तो डोलोज लॉ का यही कहना था इट ऑलवेज किप्स सम ट्रेस ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज थ्रू विच इट हैज पास्ट क्या ये ट्रेस है इंटरमीडिएट स्टेज जो है लिंक करेगा ओल्ड फॉर्म और इस फॉर्म को ये जो फॉर्म है इसको और इन दोनों को लिंक करेगा ठीक है वंस एन ये फिगर ये शो कर रहा है कि वंस एन ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इन अ सर्टेन वे इट विल नॉट रिटर्न एग्जैक्टली टू अ प्रीवियस फॉर्म एंड दिस इज इलस्ट्रेटेड हियर इन टूडे इन रियालिटी बोथ बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व इन मेनी डिफरेंट डायमेंशंस दिस इज डोलोज लॉ ऑफ रेवर्सिबिलिटी नेक्स्ट इज आइक्लर्स रूल आइक्लोर्स रूल क्या कहता है इट स्टेट्स दैट टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ पैरासाइट्स साइट्स को वेरीज विद द डाइवर्सिटी ऑफ देयर होस्ट्स इट ये क्या है कि अगर होस्ट भिखाड़ी है तो पैरासाइट भी भिखाड़ी होगा उस पर जीने वाला भी भिखारी होगा राइट right. तो वही है जितना रिच होस्ट होंगे उतना ही एडवांस्ड और रिच पैरासाइट्स भी होंगे सो इट इज़ वन ऑफ सेवरल को इवोल्यूशनरी माइंड इट इट इज वन ऑफ सेवरल को इवोल्यूशनरी रूल पारासिक टू देअर होस्ट मतलब क्या है, कि कमजोर है पार, होस्ट, तब एक तरह का पारासाइट उसी पर मिलेगा चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो यह पारासाइट फिर इससे अगर ये हम मान ले मजबूत है तो इस पर चला जाएगा ऐसा नहीं पाया जाएगा इट मीन्स कि दिस पारास हाईली स्पेसिफिक टू दिस वेरी होस्ट ओके दस इट सीम्स रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव को वेरिएशन बिटवीन द टैक्सोनॉमिक रिचनेस ऑफ होस्ट एंड दैट ऑफ देयर पारासाइट ठीक है आइक्लर ने इसको uh, पहले इसको ऑब्जर्व किया था इसलिए उनके नाम पर रखा गया है एंड व्हेन कंपेयरिंग होस्ट सिस्टर क्लेड्स टेन टू फाइंड एक्सोनॉमिकली रिचर पैरासाइट फॉर टैक्सोनॉमिकली रिच ग्रुप ऑफ होस्ट चलिए ये फिगर से आप समझ सकते हैं दुबला पतला है ये बीच में ये काफी मुस्टंड लग रहा है नेक्स्ट इज एमेज रूल और ये एमरीज रूल क्या कहता है कि सोशल पारासाइट्स एमंग इंसेक्ट सोशल पैरासाइट एमंग इंसेक्ट खास करके क्लेप्टो पैरासाइट उसको बोलते हैं टेन टू बी पारासाइट्स ऑफ स्पीसीज और जेनरा टू विच दे आर क्लोजली रिलेटेड मतलब पारासाइट जो होगा ना होस्ट से क्लोजली रिलेटेड होगा जीनस लेवल तक ठीक है वेन अ पारासाइट साइट स्पीसी पारासीटिक स्पीसीज इज सिस्टर टैक्सॉन टू इट्स होस्ट इन अ फाइलोजेनेटिक सेंस द रिलेशनशिप इज कंसिडर टू बी इन स्ट्रिक्ट एडेयरेंस टू एमरीज रूल ठीक है

ओके नेक्स्ट इज फोस्टर्स रूल जिसको कि द आइलैंड रूल भी बोलते हैं या आइलैंड इफेक्ट भी बोलते हैं ये इको जियोग्राफिकल रूल बोला जा सकता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का बायोलॉजी का और ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज गेट ए स्मॉलर और बिगर डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स अवेलेबल इन द इनवायरमेंट रिसोर्स जैसे रहेंगे उसी के अनुसार वो स्पीसीज uh, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है और ब्रिस्टल आ, फोस्टर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने इसका पब्लिकेशन नेचर जर्नल में कराया था जिसका टाइटल ही है द इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स ऑन आइलैंड। ओके फॉर एग्जांपल, इट इज नोन दैट पिग्मी मैमथ्स इवॉल्व फ्रॉम नॉर्मल मैमथ्स ऑन स्मॉल आइलैंड्स

टू स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट एट कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वैल्यू ठीक है और आपका <coughs> आ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है हम ये एग्जाम्पल इकोलॉजी में कई जगह दिए कि अगर दो हॉर्स है सॉरी दो आ, आ, कोई कार्निवोडस एनिमल को आप ले लीजिए और वो उसमें से एक फास्ट रनर है और खरगोश को वो पकड़ के खा रहा है जो स्लो रनर होगा वो ऑलवेज चूक जाएगा खरगोश को पकड़ने में अगर दोनों साथ रह रहा है तो फास्ट रनर विल विन ओके और धीरे धीरे अगर स्लो रनर को खाना मिला नहीं इट विल एक्सटिंग आउट और एक पॉपुलेशन सेलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ फास्ट रनर का वहाँ पे है? तो स्पेसिज डाइवर्सिटी को भी शो करेगा और यह डायरेक्शनल सिलेक्शन को भी बताता है अच्छा लैमार्क और फोस्टर में डिफरेंस आइलैंड इफेक्ट नहीं ये रिसो, देखिए रिसोर्स एवेलेबल में यहां स्पेसीज का बिगर होना और स्मॉलर होने की बात कर रहा है ठीक है लैमार्क का प्रिंसिपल क्या है लैमार्क का प्रिंसिपल रिसोर्स अच्छा स्पेसीज वहाँ पे ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे है स्पेसीज की बात करने का मतलब क्या है स्पेसीज में डाइवर्सिटी स्पेसीज में पॉपुलेशन का साइज़ पे है ये माइंड इट और वहाँ क्या है एक पॉपुलेशन के एक मेंबर एक ऑर्गेनिज़म का कि भाई जिराफ जो है कभी जेवरा जो है कभी जिराफ था और वो धीरे धीरे पेड़ को लीफ को पकड़ने के चक्कर में उसका गर्दन लंबा हो गया तो ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात किया उन्होंने आ, लेमार्क ने राइट बट ये क्या हो रहा है मेंबर्स ऑफ स्पीसीज गेट स्मॉलर और बिगर की बात कर रहे हैं ठीक है नंबर की बात कर रहे हैं रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे तो साइज में सिर्फ बड़ा होना सेम शेप वगैरह अगर यहाँ मेंबर एक इंडिविजुअल मेंबर की भी बात करें तो वो क्या होगा कि शेप वही होगा साइज बड़ा होने या छोटा होने का मतलब क्या है ह्यूमन बीइंग का हाइट उम्र के अनुसार 18 तक फिक्स हो गया तो ये इसमें हम लैमार्किज्म को तो नहीं लेंगे कि बचपन से लेके 18 तक जो है लैमार्किज्म के प्रिंसिपल पे चल रहे हैं या फिर आफ्टर 18 अगर वो वॉल्यूम में इनक्रीज़ कर रहा है पर्सन पैंट कभी जीन्स वो 28 और 30 पहना करता था आज 36 और 38 पहन रहा है 34 पहन रहा है तो बिगर इन साइज हो गया तो वो लेमार के प्रिंसिपल को तो फॉलो नहीं करेगा राइट चलिए होप की यू आर यू गॉट योर आंसर वेन वन स्पीसीज हैज इवन स्लाइटेस्ट एडवांटेज ओवर द अदर मैंने क्या बोला कि एक हॉर्स है सॉरी एक कार्डि है जो कि स्लाइटेस्ट एडवांटेज उसका क्या है स्लाइटेस्ट एडवांटेज क्या है कि वो फास्ट रनर है बस उतना ही उसकी खूबी है एंड स्लाइटेस्ट एडवांटेज ओवर अदर द वन विथ द एडवांटेज विल डोमिनेट इन द लॉन्गर टर्म हम क्या बता रहे हैं जो फास्ट रनर है ऑलवेज क्या करेगा कि अपने प्रे को पकड़ेगा पहले वही और रनिंग में मतलब यहाँ जो कंपटीशन होगा उसमें जो स्लो रनर होगा वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट आउट हो जाएगा द कंपटीशन लीड्स आइदर टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द वीकर कंपटीटर

पारा फ्रेज में क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट कैन नॉट आप पे भी लागू होता है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कंपटीटर कब बनिएगा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में टॉपर के बराबर रहिएगा जो कि हो नहीं सकता है ओके कैन नॉट को एग्जिस्ट एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं चूक होगी ही होगी हम्म तो ये आप एक फिगर के थ्रू हमने समझाने की यहाँ कोशिश की है यू कैन आप इसको आसानी से देख सकते हो आप इसमें बता भी सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं और इसी को हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो हमने बताया कि स्मॉलर येलो स्पीसीज ऑफ बर्ड फोरेज अक्रॉस द होल ट्री और लार्ज में जो रेड स्पीसीज़ uh, है कम्पीट्स फॉर रिसोर्सेज उसके बाद क्या हुआ कि रेड डोमिनेट किया इन इन द मिडल फॉर द मोर एबंडेंट रिसोर्सेज और येलो टू अ न्यू नीच रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉप ऑफ द बॉटम तो यहां से पहले येलो वाला भी इसी पोर्शन में था अब यहां पे रेड वाला आ गया रेड वाला इसपे डोमिनेट कर रहा है येलो वाला ऊपर पार्ट में आ गया चलिए और इसका बहुत अच्छा ये सब क्वेश्चन फिगर ग्राफ दे करके ये समझाता है ये जो कम्पिटिटिव गोसेज लॉ है ना इसको हम लोग इससे समझ सकते हैं एक पारामेशियम का पारामेशियम आ, आ, ये आपका कॉडेटम है और पारामेशियम ऑरेलिया है राइट तो कॉडेटम जहाँ पे अगर ग्रो कर रहा है ना ये मज़े से ग्रो करेगा लेकिन यहाँ पे अगर पारा ऑरेलिया आ जाता है इसके साथ में तो धीरे धीरे देखिए कि पारामेशियम और कॉडेटम और एलिया दोनों है तो कॉडेटम धीरे 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 वाइबड आउट हो गया ठीक है इसका ग्रोथ नीचे चला गया लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज कर गए और औरलिया का इंक्रीज करते चला गया ठीक है नेक्स्ट ग्लोगर्स रूल है आप फिगर से ही समझ ग्लोगर के बारे में पढ़े होंगे पिगमेंटेशन पे उन्होंने दिया था कि विदिन अस्पिशीज ऑफ इंडो मोर हेविली पिगमेंटेड फॉर्म्स टेन टू बी फाउंड इन मोर ह्यूमिड इन्वायरमेंट हम ह्यूमन बींग में भी देखिए कि ज्यादा पिगमेंटेड पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे अफ्रीका के केस में जहां पर मोर ह्यूमिड और वार्म इन्वायरमेंट है नियर द इक्वेटर नेम्ड आफ्टर जूलॉजिस्ट कॉन्स्टेंटीन विलहम लैमबर्ट ग्लॉगर का नाम पर है जिन्होंने एटीन थर्टी थ्री में दिया था ओवर 90 परसेंट ऑफ 52 नॉर्थ अमेरिकन बर्ड स्पेसिज फाउंड स्टडीज कन्फर्म टू दिस रूल ठीक है तो आप इन चार बर्ड को देख करके बता सकते हैं कि ये मोर ह्यूमिड रीजन का है ये लेस ह्यूमिड रीजन का है एवंग ह्यूमन पॉपुलेशन भी देख सकते हैं दैट इवॉल्व इन सनियर इन्वायरमेंट क्लोज टू द इक्वेटर टेन टू बी पिगमेंटेड डार्कअपिगमेंटेड पॉपुलेशन ओरिजिनेटिंग फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर राइट और इसका हमने वजह भी बताया था कि डार्कर पिगमेंटेशन के कारण क्या होगा एक कि वो सन लाइट से प्रोटेक्ट कर लेता है इंटरनल इन्वामेंट को बचा के रखता है ठीक है और उस कंडीशन में विटामिन डी के सिंथेसिस में भी वो मदद करता है ठीक है ओके तो ये चीज़ों को हमने वाइटमिन्स में पढ़ा था राइट नेक्स्ट इज हार्डेन्स रूल जेबीएस हार्डेन Uh, बहुत घुमक्कर थे ये भी uh, इनका नाम लिया जाता है आपको इवोल्यूशन में ऑब्जॉर्ब अबाउट द अर्ली स्टेजेस ऑफ एस्पेसिएशन विच स्टेट्स दैट इफ इन अस्पेसीज हाइब्रिड माइंड इट इफ इन अस्पेसीज हाइब्रिड ओनली वन सेक्स इज स्टेराइल दैट सेक्स इज यूजली द हेट्रोगेटिक सेक्स इज़ हाइब्रिड का मतलब स्पेसीज हाइब्रिड अगर है मतलब वहाँ डाइमॉरफिजम है सेक्सुअल डायफोरफिज का केस है तो उस केस में जो हेट्रोगैमेटिक जैसे मेल और फीमेल के केस में एक्सेस फीमेल और एक्स वाई मेल है तो ज़्यादा चांसेस स्टेरिलिटी के यहाँ मेल में है यानी हेट्रोगैमेटिक सेक्स में है तो द हेट्रोगेटिक सेक्स इज़ द वन विद टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोजोम्स इन मैमल्स एंड दिस इज द मेल विथ एक्स वाई क्रोमोजोम यस मेल मोस्टली और ये हाइब्रिड स्टेरिलिटी एज द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ स्पेशिएशन इन मोस्ट केसेस ऑफ स्पेसीज फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हॉर्स और जिराफ किसी एक ही लीनियज का है क्लैडिस्टिक्स लीनियज का है और वो ड्यू कोर्स में उसमें सर्टेन बैरियर्स आ गए बैरियर्स का इनिशिएशन हुआ उसमें जैसे क्रोमोजोम के पेयरिंग में भी बैरियर्स हो सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस में आएंगे ट्रांसफ़र में उसमें जो गैमेटिक ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर क्रॉस से क्रॉसिंग ओवर में तो ये सब इनिशिएशन और ये फैक्टर्स क्या क्या और हो सकते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी के कारण या इनवाइबिलिटी के कारण या प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन के कारण और ये सब वजह से क्या हुआ कि दो अलग अलग हॉर्स और जिराफ दोनों अलग हो गए ठीक है सो इफ आर डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर देन द क्वेश्चन ऑफ हाउ स्पीसीज ओरिजिनेट बिकम्स दैट ऑफ हाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ओरिजिनेट्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पेशिएशन का कारण होता है ये हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है राइट right? एंड दिस में भी पिक्चर्ड बाई दिस इन्वर्टेड इसी में हमने ये बता दिया मॉडर्न हॉर्सेज एंड जिराफ फॉर एग्जाम्पल आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ एन इनएबिलिटी टू कोप्युलेट ट्रांसफर बैरियर हाउएवर इट इज़ यानी कि यहाँ पर आपका जियोग्राफिकल बैरियर भी आया हाउएवर इट इज़ अनलाइकली दैट दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल ब्रांचिंग इवेंट इन मोस्ट केसेज ऑफ स्पेसीज फॉर्मेशन ये सर्टेन एस्पेसीज के फॉर्मेशन में ही लागू अभी तक देखा गया है बहुत ज़्यादा हम नहीं देखते हैं नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंस का आता है एक हैमिल्टनस रूल है ये सब रूल्स पहली बार हम लोग शायद देख रहे होंगे आप लोग कि हैमिल्टनस रूल है ये क्या कहता है कि जीन्स शुड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन द रिलेटेडनेस ऑफ अ रिसीपियंट टू एन एक्टर मल्टीप्लाइड बाय द बेनिफिट टू द रिसपियंट एक्सीड्स द रिप्रोडक्टिव कॉस्ट टू द एक्टर एक सिंपली एक फॉर्मूला लेंगे आर इंटू बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो वेअर आर इज़ रिलेटेडनेस बी इज नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एंड सी इज़ द कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिटनेस यूनिट ठीक है और ये आ, ये जो है ना दिस इज अ प्रोडिक्शन फ्रॉम द थियरी ऑफ कीन सेलेक्शन एक वर्ड आता है ये याद रखिएगा व्हाट इज कीन सेलेक्शन जो हैमिल्टन ने इसको फॉर्मुलेट किया था किन् सिलेक्शन क्या है इट इज़ द इवोल्यूशनरी ए स्ट्रैटी दैट रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रिलेटिव टू सर्वाइवल एंड से, से समझिए अगर इन्वायरमेंट किसी ऑर्गेनिजम को सेलेक्ट करता है कि वो उसमें सरवाइव करे राइट right, तो ऑर्गेनिज्म भी पूरी ताकत झोंकता है कि वहां पर मेरा पॉपुलेशन का पॉपुलेशंस जो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो इवेन एट द कॉस्ट ऑफ माई डेथ ठीक है जो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका बेहतरीन देखा जाता है हनी बीज में इन अल्ट्रोइजम का केस अब देखिएगा कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस में जैसे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं हनी बी में खास करके तो उसमें देखिएगा कि स्वार्मिंग एक वो लोग इसमें परफॉर्मेंस होता है स्वार्मिंग परफॉर्म करते हैं और उसमें एक क्वीन हनी बी के पीछे बहुत सारे मेल बीज जाते हैं भागते हैं और उसमें से कोई एक इसके साथ कॉप्यूलेट करता है हनी क्वीन बी के साथ और अल्टीमेटली वो हवा में ही कॉप्यूलेशन होगा हवा में ही ये रिप्रोडक्शन होना है कोप्यूलेशन के बाद उसी समय वो मेल जो है ना डाई कर जाता है मर जाता है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रो इवन दाओ कि ये जितने सारे मेल्स जा रहे हैं क्वीन के पीछे इन सबको पता है कि अगर हम इनमें हम में से कोई एक कोप्युलेट करेगा तो वो मरना तय है ठीक है लेकिन फिर भी वो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड किन अल्ट्रूइजम ठीक है एंड इट कैन लुक लाइक अल्ट्रोइस्टिक बिहेवियर हुज इवोल्यूशन इज ड्रिवन बाय किन सिलेक्शन ठीक है तो यहां पे क्या है कि क्यों मर रहा है क्योंकि वहां नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ज्यादा हैं रिलेटेडनेस एक दूसरे से रिलेटेडनेस ज्यादा है ठीक है अगर हमको कोई बोले कि 24 घंटा अगर जग करके और आप क्लास लीजिए राइट एंड यू विल गेट 5 लाख रुपीज फॉर दिस 24 फोर आवर तो कोशिश तो टेंडेंसी लोग यही करेंगे कि हम कर लें इवें दाओ कि उनको उनको ये पता है कि इट विल बी डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ इसमें हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा लेकिन वहाँ फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कि पाँच लाख रुपया मिलेगा जिससे कि आगे का फ्यूचर सिक्योर रहे है। ठीक है नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज उससे ज़्यादा फायदा बेनिफिशियरी कोर्स द फैमिली मेम्बर्स होंगे तो दिस इज हैमिल्टंस रूल और इसी में हम लोग कीन सेलेक्शन और अल्ट्रोइज़म की बात हम्म hmm, ठीक बस ले लेना है काम नहीं करना है तुम यही करोगे द को ऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ सोशल इंसेक्ट दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिविटी भी आता है इसमें लाइक द हनी बी कैन एक्सप्लेन बाय द कैन बी एक्सप्लेन बाय द किन सिलेक्शन चलिए तो ये हेमिल्टंस रूल है याद रखिएगा पैसा लेके भागना पैसा लेके काम करना एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हेल्थ दिस इज हैमिल्टंस रूल से याद रखिएगा राइट नेक्स्ट आइए रूल रूल क्या कहता है कि पैरासाइट बॉडी साइज को वैरी विद दोज ऑफ देयर होस्ट देखिए हमने ऊपर में पढ़ा था कि होस्ट रिच है तो पैरासाइट भी रिच होगा वही कहानी को यहां साइज पे ले आए हैं हैरिसन साहब उन्होंने क्या कहा कि होस्ट का साइज जैसा रहेगा उसी के अनुसार उस पर ए जाने वाले पैरासाइट का भी साइज रहेगा हम्म ही प्रोपोज द रूल फॉर लाइस बट बाद में देखा गया कि ये तो बहुत दूसरों पे भी लागू हो रहा है लाइस पे ही लागू नहीं हो रहा है ठीक है इक्वली वेल फॉर मेनी अदर ग्रुप्स ऑफ पैरासाइट्स इंक्लूडिंग बारनेकल्स निमेटोड्स फ्लियाज फ्लाइज माइट्स एंड टिक्स इन सब पे लागू हो रहा है एंड फॉर द एनालोग केसेस ऑफ सम हार्बी वोर्ड्स ऑन लार्ज प्लांट्स प्लांट बड़े बड़े प्लांट और पत्ते ज्यादा मिलेंगे घने प्लांट आ, मिलेंगे वहां पे हर भी वोर्स भी देखिएगा का साइज भी क्या होगा बड़ा होगा द एलोमेट्री बिटवीन होस्ट एंड पारासाइट बॉडी साइज कॉन्स्टिट्यूट एन एविडेंट एस्पेक्ट ऑफ होस्ट पारासाइट को एक टर्म है एलोमेट्री इससे हमको क्या मिला हैरिसंस रूल को हैरिसन uh, uh, साहब को रूल देने में फायदा हुआ और ये एलोमेट्री है क्या इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ बॉडी साइज टू शेप एनाटोमी फिजियोलॉजी एंड फाइनली बिहेवियर इज कॉल्ड एलोमेट्री याद रखिएगा एलोमेट्री ठीक है तो ये आपका एक डायग्राम है हैरिसंस रूल का तो ये ये बताता है कि देखिए प्रोपोर्शन अगर बॉडी का साइज होस्ट का स्पीसीज स्मॉल होस्ट है तो ये जो पारासाइट जो होस्ट पैरासाइट जो रहेगा वो भी स्मॉल होगा और लार्जर अगर होस्ट है तो पारासाइट भी क्या होगा लार्जर होगा नेक्स्ट हेनिंग्स प्रोग्रेशन रूल है हेनिंग्स प्रोग्रेशन रूल ये कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज खासकर इन क्लैडिस्टिक्स हमने देखा फाइलोजेनेटिक ट्री uh, एक लीनियज से होना द स्पिस विद द मोस्ट प्रमेटिव कैरेक्टर्स आर फाउंड विद इन द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द एरिया विच विल बी द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ दैट ग्रुप देखिए कोई भी हम जैसे क्लैडिस्टिक ही बनाते हैं तो इस तरीके से अगर ट्री फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो हमको क्या मिला कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबसे पुराने होंगे ऊपर वाले सबसे नैब होंगे नए नै नए ऑर्गेनिजम्स होंगे राइट right. उसी तरीके से इनका बस ये सिंपल सा रूल है इसको तो रूल बनाना भी नहीं चाहिए लेकिन बनाया गया कि स्पेसीज विद द मोस्ट प्रिमेटिव कैरेक्टर जो सबसे प्रिमेटिव कैरेक्टर वाले होंगे वो कहाँ मिलेंगे अर्लीएस्ट पार्ट ऑफ द एरिया जहां पे वो इवॉल्व हुए होंगे दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इवोल्यूशन या सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट वेरी ग्रुप ठीक है नेक्स्ट जॉर्डन्स रूल है और ये इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वाटर टेम्परेचर एंड मेरिस्टिक देखिए इसके बारे में आपने पढ़ा होगा लेकिन हम इसको दो तीन दो अलग अलग वर्जन में यहाँ लिख रहे हैं बता रहे हैं आपको कि इट डिस्क्राइब्स एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वाटर टेम्परेचर एंड मेरिस्टिक मेरिस्टिक क्या है काउंटेबल ट्रेड को बोलते हैं मेरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द नंबर ऑफ रेज वटेब्रा और स्केल नंबर्स विच आर सीन टू इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर और ये क्या कहता है कि दैट गिवेन एनी स्पीसीज इन एनी रीजन द नियरेस्ट रिलेटेड स्पीसीज इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन द सेम रीजन नॉर इन अ रिमोट रीजन बट इन अबरिंग डिस्ट नेबरिंग डिस्टिंग डिस्टिक्ट सेपरेटेड डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं इसको सेपरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट बाई अ बैरियर ऑफ द सम सॉट मतलब उसी एरिया में बैरियर से अगर घिरा है तो उसी एरिया में सराउंडिंग में आपको मिलेगा राइट दिस इज जॉर्डन्स रूल नेक्स्ट है आपका लैक्स प्रिंसिपल और लैक्स प्रिंसिपल बस यही है कि जो हम लोग पढ़ते हैं तेते पाँव पसाड़ी जेते लंबी सौर वही कहानी है इसमें ये डेविड लैक के द्वारा किया गया है और ये स्टेट करता है कि द क्लच साइज क्लच साइज किसको बोलते हैं जी नंबर ऑफ एग्स लेड इन सिंगल ब्रूड अ नेस्टिंग पेयर ऑफ बर्ड्स एक बार में वो कितना एग दे सकती है ठीक है तो देखिए कोई बर्ड ऐसा है जो एक ले एक एग ले करती है जैसे आप यहां पे देख रहे हो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात सेवन एग ले किया हुआ है कोई और भी ज्यादा स्नेक्स वगैरह में देखिए तो वो सैकड़ों एग्स देना है लेकिन जनरली जो बर्ड्स के केस में देखते हैं तो वो एग एक, एक बार में उतना ही देती है जितना कि उसको पाल पोसने में कैपेबल हो सक्षम हो राइट सो so, यही यहां पे कहा कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द क्लच साइज क्लच साइज किसको बोलेंगे नंबर ऑफ एग्स लेड इन अ सिंगल ब्रूड बाय अ नेस्टिंग पेयर ऑफ बर्ड्स ऑफ ईच स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैज़ बीन अडेप्टेड बाई नेचुरल सेलेक्शन टू कॉरेस्पॉन्ड विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग फॉर विच द पेरेंट्स कैन ऑन एवरेज प्रोवाइड इन अ फूड अब एक से ज़्यादा अंडा वो ले कर दी एग ले कर दी जब हैचिंग हुआ तो उसको खाना खिलाने में अक्षम है सक्षम है ही नहीं और ये सब केस तो ह्यूमन बींग पे लागू होता ही है ठीक है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ते चला जा रहा है और इतना ज़्यादा कि हम उसके बच्चों की परवरिश ही नहीं कर रहे हैं अल्टीमेटली इट रिज़ल्ट इन कम्पटिशन कम्पटिशन तो ऐसा वैसा नहीं है जहाँ पे सब धोखाधड़ी मर्डर चोरी यही सब चलता है राइट बट जहाँ पॉपुलेशन बैलेंस्ड है ये पॉपुलेशन का केस है और पॉपुलेशन बैलेंस्ड है आप अच्छे से उसको फीड करा सकते हैं अच्छे परवरिश कर सकते हैं अच्छे संस्कार दे सकते हैं उतना ही तक पॉपुलेशन सीमित रहे दैट विल बी गुड लैक्स प्रिंसिपल यही कहता है कि क्लच साइज किसी भी बर्ड का उतना ही होता है जितना वो अपने यंग पॉपुलेशन को हैचिंग uh, के बाद उसको खिला पिलाने में और ग्रो कराने में पालने में सक्षम हो सके दैट इज कॉल्ड लैक्स प्रिंसिपल नेक्स्ट इज रैपो रैपो पोर्ट्स रूल है और ये कहता है लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल जनरली ए स्मॉलर रेंज लैटिट्यूडनल रेंजेस ऑफ प्लांट्स एंड रेंज वेरिएशंस लैटिट्यूड देखिए ये हम एक फिगर के रूप में ये आपका क्या है लैटिट्यूड है और ये आपका लॉन्गिट्यूड है राइट right? तो कहता है कि लैटिट्यूड के में अलोंग द लैटिट्यूड अगर हम बढ़ रहे हैं तो प्लांट या एनिमल के केस में इधर से इधर वेरिएशंस कम मिलेंगे लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो होगा वो वेरिएशंस क्या मिलेंगे आ, वो ज्यादा मिलेंगे ठीक है तो हायर या फिर ये भी कहेंगे कि लोअर लैटिट्यूड पे स्मॉलर वेरिएशन मिलेगा और हायर लैटिट्यूड पे ज्यादा वेरिएशन मिलेगा राइट और ये रैपोपोर्ट साहब ने दिया था आ, Mm, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी और सीजनल वेरिएबिलिटी हाइपोथेसिस क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी और सीजनल वेरिएबिलिटी हाइपोथेसिस बोलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस सीजनल वेरिएबिलिटी सेलेक्ट्स फॉर ग्रेटर क्लाइमेटिक टॉलरेंसेस एंड देयर फॉर वाइडर लैटिट्यूडनल रेंजेस ओके दिस इज रैपोपॉट्स रूल नेक्स्ट इज रेंचेज रूल रेंचेज रूल क्या है एक्रॉस एनिमल स्पेसीज विद इन अ लीनियज लीनियज के बारे में हमने पीछे बताया सेक्सुअल साइज डायमोरफिज्म इंक्रीजेज विथ बॉडी साइज ये इंपॉर्टेंस का है कि सेक्सुअल साइज डायमोरफिज्म इंक्रीजेज विथ बॉडी साइज वेन द मेल इज द लार्जर सेक्स माइंड इट, सेक्सुअल साइज का जो डायमोरफिज्म है इंक्रीज करेगा बॉडी साइज से वेन द मेल इज द मेल इज द लार्जर सेक्स एंड डिक्रीजेज एज बॉडी साइज इनक्रीजेज विद द फीमेल इज द लार्जर सेक्स ओके द रूल अप्लाइज इन प्राइमेट्स में सील्स में पिनीपेट्स जिसको बोलते हैं या कैटल और डीएल में इवेंटोड अंग्यूलेट्स इट इज नेम्ड आफ्टर बॉर्न रेंच नाइनटीन फिफ्टी में इन्होंने दिया था और ये क्यों होता है दिस में बी ड्यू टू सेक्शुअल बायमेच्योरिज्म बायमेचोरिज्म अब यह सेक्शुअल बाई मैचोरिज्म क्या है जी तो सेक्शुअल बाई मैचोरिज्म सिंपल सा है कि डिफरेंस इन डेवलपमेंटल टाइमिंग बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द सेम स्पेसीज ठीक है मैच्योर डेवलपमेंटल टाइमिंग बिटवीन मेल और फीमेल में अलग अलग होना चाहे वो प्लांट का ही ले लीजिए एनिमल का ही केस ले लीजिए तो इसमें जो डेवलपमेंटल टाइमिंग होता है इवन ह्यूमन बीइंग में भी अलग अलग होते हैं है ना मेल में मैच्यूरेशन टाइम कुछ ज़्यादा होगा फीमेल में पहले मैच्यूरेशन होता है डेवलपमेंट पीरियड में एंड विच कॉजेज मेल ट्रेड्स टू डाइवर्ज फास्टर एंड डेवलप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन सेक्शुअल डायमोफिज़म ठीक है ये जो सेक्सुअल बाई मैच्योरिज्म है इट रिजल्ट इन सेक्सुअल ठीक है एंड द कोरिलेशन बिटवीन सेक्सुअल साइज डायमोर्फिजम एंड बॉडी साइज इज हाइपोथिस टू बी अ रिजल्ट फॉर एन इंक्रीज इन मेल मेल कंपटिशन इन लार्ज स्पेसीज अ रिजल्ट ऑफ लिमिटेड इन्वॉर्मेंटल रिसोर्सेज फ्यूलिंग एग्रेशन बिटवीन मेल्स ओवर एक्सेस टू ब्रीडिंग टेरिटरीज एंड मेटिंग पार्टनर्स ये सब के सब आप देखते हैं ब्रीडिंग टेरिटोरीज एंड मेटिंग पार्टनर्स के लिए जो है एक्सेस के लिए यहाँ लड़ाई होना खास करके नेट जियो पे या वाइल्ड एनिमल प्लैनेट्स वगैरह पे ये शेर के केस में देखते हैं नीच है ना और उसका अपना एक इलाका फिक्स होना दिस इज कॉल्ड रेंचेस लॉ रेंचेस रूल नेक्स्ट है साल शालम हाउस लॉ ठीक है शलम हाउस लॉ इट स्टेट्स दैट अ पॉपुलेशन एट द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ इट्स टॉलरेंस इन एनी वन एस्पेक्ट इज मोर वलनरेबल टू स्मॉल डिफरेंसेज इन एनी अदर एस्पेक्ट्स देखिए ये सिंपल सा केस है कि बहुत ह्यूमन बींग के केस में भी होता है कि किसी एक्सट्रीमिटीज पे नहीं है लाइफ को बैलेंस करके चलिए किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पर चलेगा देखिएगा जो पढ़ने में बहुत तेज हैं बहुत तेज हैं वो किसी और काम में फिसड्डी हैं ठीक है तो बॉडी बैलेंस सब कुछ बॉडी मेंटल जो है सबको बैलेंस करके चलना वो जरूरी है तो जो चीज जो पर्सन किसी एक चीज में जैसे चोर चोड़ है चोरी करने में माहिर है लेकिन पढ़ाई में फिसड्डी है पढ़ाकू आदमी पढ़ाई करने में माहिर है लेकिन चोरी करने में फिसअडी है राइट तो वही कहानी ये आ, उसन जो लॉ है यही कहता है कि विच स्टेट पॉपुलेशन एट एक्सट्रीम लिमिट पे है ऑफ इट्स टॉलरेंस इन एनी वन एस्पेक्ट ठीक है इज मोर वर्नेरबल टू ए स्मॉल डिफरेंसेस इन एनी अदर एस्पेक्ट इसका मतलब जैसे अफ्रीकन पीपल में हम देखें कि वो बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं लेकिन उसको ठंडे प्रदेश में अगर ले जाते हैं तो वेरी स्मॉल टेम्परेचर में ही वलनेरेबिलिटी शो करेंगे उनका जो परफॉर्मेंस है वो सब क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा देयरफॉर फोर द वेरियंस ऑफ डेटा इज नॉट सिंपली नॉइज़ ये एग्जाम्पल है नॉइज़ इंटरफेरिंग विद द डिटेक्शन ऑफ सो कॉल्ड मेन इफेक्ट बट ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन लीडिंग टू ग्रेटर वलनेरेबिलिटी नॉइज के कारण ठीक है वो मेन इफेक्ट के कारण है लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर न मिले धीरे धीरे तो वो क्या होगा स्ट्रेसफुल कंपेंडिशन लीडिंग टू ग्रेटर वर्लनेबिलिटी को हो सकता है दिस इज स्मॉल हॉजेंस लॉ एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे एक तो ये थॉर्स लॉ है रूल है और ये क्या बताता है कि बेंथिक मेराइन इनवर्टेब्रैट्स एट लो लैटीट्यूड बेंथिक बेंथिक जोन किसको बोलेंगे जी पानी में जो सबसे नीचे तलहटी में रहने वाले मेराइन में जो सबसे नीचे तलहटी पर रहते हैं सबसे नीचे वाले पार्ट में डार्क पार्ट में दैट इज कॉल्ड बेंथिक जोन तो बेंथिक मेराइन इनवर्टेब्रेट्स एट लो लैटिट्यूड्स टेंड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स डेवलपिंग टू पेलेजिक ऑफ एन प्लै प्लैंक्टो ट्रॉफिक यानी प्लैंकटॉन फिडिक बोलते हैं प्लैंगटो ट्रॉफिक प्लैंक्टॉन ट्रॉफिक मतलब फिडिंग And widely dispersing larvae, whereas at high latitude, such as organisms, such uh, latitudes, such organisms tend to produce fewer and larger lecithotrophic yolk feeding, yolk feeding eggs, and larger offspring, often by viviparity or ovoviviparity, which are often brooded. ठीक है मतलब ये सिंपली जो नीचे बेंथिक कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स इन वर्टेब्रेट्स होंगे वो एक लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करेंगे बहुत छोटे छोटे डिस्पर्सिंग लार्वा ठीक है लेकिन हाई लैटिट्यूड पे जो होंगे वो क्या करेंगे फीवर एक प्रोड्यूस करेंगे राइट right? और फीवर एंड लार्जर वो साइज में लार्जर होंगे लेसिथोट्रोपिक यानी एक से वो फीड करने वाले ठीक है ऑफेन uh, ये भी, भी पेरी भी शो कर सकते हैं या ओवो वीवी पेरिटी भी शो करेंगे ओवो वीवी पेरस क्या है ये भी मैंने बताया है है ना विच आर ऑफेन ब्रूडेड एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर थॉर्सन गुन्नर्स थॉर्सन इन 1971 में लेकिन एक चीज जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हमको जानना है देखिए इसको uh, हम लोग रिकॉल करते हैं रैपोर्ट्स रैपोपॉर्ट्स रूल से रैपोपॉर्ट्स रूल एस्टेट्स दैट लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ स्पीसीज आर जेनरली स्मॉलर एट लो दैन एट हाई लैटीच्यूड राइट एंड थॉर्सनस रूल कॉन्ट्राडिक्ट दिस रूल थॉर्सन का रूल रेपोपॉर्ट्स के रूल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है बिकॉज स्पीसीज डिस्पर्स मोर वाइडली एट लो देट हाई लैटीच्यूड माइंड इट स्पीसीज डाइस डिस्पर्स मोर वाइडली एट लो लैटीट्यूड एट हाई लैटीट्यूड एंड सप्लीमेंटिंग मच एविडेंस अगेंस्ट द जेनरैलिटी ऑफ रैपोपॉट्स रूल एंड फॉर द फैक्ट दैट ट्रॉपिकल स्पीसीज ऑफ एन हैव वाइडर जियोग्राफिकल रेंज दैन हाई लैटीट्यूड नल स्पीसीज ठीक है ये थॉर्संस रूल है इसको आप समझ सकते हो लास्ट में वन वैलेंस लॉ है और यह क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन फॉर स्पेसीज एंड हायर टैक्सा हायर टैक्सा में आपका फैमिली आ गया ऑर्डर आ गया इज कांस्टेंट फॉर ईच ग्रुप ओवर टाइम ग्रुप्स ग्रो नाइदर मोर रेसिस्टेंट नॉर मोर वर्नरेबल टू एक्सटिंक्शन हाउ एवर ओल्ड देयरलीज मतलब इनका सिंपल ये कहना है कि रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ओवर टाइम इज कॉन्स्टेंट कि कॉन्स्टेंट रेट से ही वो एक्सटिंक्ट करेगा कोई भी और स्पेसीज या फिर उसके ऊपर का फैमिली हो ऑर्डर हो कोई भी ठीक है तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनी टैक्स इज कॉन्स्टेंट फॉर ईच ग्रुप ओवर टाइम हर ग्रुप के लिए एक फिक्सड कॉन्स्टेंट रेट से वो एक्सटिंक्ट करेगा ठीक है और ना ही वो उस जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है ऐसा नहीं कि किसी में बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी में कम हो रहा है यानी कि किसी समय वो मोर रेसिस्टेंट हो रहा है या किसी एरा में वो मोर वर्नेरेबल हो रहा है ठीक है ये वॉन वैलेंस लॉ है और लास्ट में वॉन बियर्स लॉ है वॉन बियर्स लॉ कार्ल ऑनेस्ट वॉन बियर ने दिया है और ये मोर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अ लार्ज ग्रुप अपीयर अर्लियर इन द इम्ब्रे दैन द मोर स्पेशल कैरेक्टर्स इनका कहना है ये हम लोग इम्ब्रालॉजी में भी इसके बारे में इनके बारे में चर्चा करेंगे उनका ये कहना कि जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो पहले आते हैं ठीक है स्पेशल कैरेक्टर बाद में अपियर होते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्या करिएगा सबसे इजी इजी क्वेश्चन जनरलाइज्ड क्वेश्चन को पहले बना लीजिएगा उसके बाद आप थोड़ा टफ क्वेश्चन यानी स्पेशल क्वेश्चन को बनाते हैं राइट सो द मोर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अ लार्ज ग्रुप अपियर अर्लियर इन द इम्रो देन द मोर स्पेशल कैरेक्टर्स एंड फ्रॉम द मोस्ट जनरल फॉर्म्स द लेस जनरल आर डेवलप्ड ठीक है मोस्ट जनरल फॉर्म से लेस जनरल फॉर्म्स डेवलप हुआ है एंड सो ऑन अंटिल फाइनली द मोस्ट स्पेशल एराइजेस ठीक है सबसे ये सिंपली इसको बोलिए कि आप इवोल्यूशन जो है वो कैसा है प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ठीक है कि सबसे सिंपलर पहले आया फिर सबसे सिंपलर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स उसके बाद आते गए इक्का दुक्का हमने पढ़ा है रेट्रोग्रोसिव इवोल्यूशन भी एक टर्म हमने पढ़ा है वो एक्सेप्शन के रूप में रेट्रोग्रेसिव है ना एवोल्यूशन ये हमने खास करके एक एग्जाम्पल लिया था जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस जो कि पहले ये सब के सब प्रोग्रेसिव बाद बाकी सब करेक्टर्स प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आए बट इन केस ऑफ फंगस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहले ही कॉम्प्लेक्स थे और अब धीरे धीरे वो मोर सिंपलर होते चले गए सो so, Every embryo of a given animal form, instead of passing through the other forms, rather becomes separated from them. And the embryo of a higher form never resembles any other form, but only its embryo. ek embryo apne hi se वो या higher form से वो कभी resemble नहीं करेगा. Embryonic development में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें photo के साथ भी देखेंगे इसको. ठीक है कि कैसे वो resemble करता है. This was in शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द रिकैपिचुलेशन थियरी ऑफ जॉन फ्रेडरिक मैकल एंड लेटर अर्न अर्नेस्ट हैकल ने दिया कि विच क्लेम दैट इम्ब्रायवेंट थ्रो एस्टेजेज रिजेंबलिंग एडल्ट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सक्सेसिव एस्टेजिज ऑफ द स्केला नेचोरा फ्राम सपोजेडलीएस्ट टू हाइस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया और नेक्स्ट है विलिस्टन्स लॉ इट स्टेट्स दैट पार्ट्स इन एन ऑर्गेनिज्म टेंड टू बिकम रिड्यूस्ड इन नंबर एंड ग्रेटर स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन कुछ पार्ट्स रिड्यूस्ड हो जाएंगे और स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन हो जाएंगे ठीक है और इसके सबसे एग्जांपल जैसे वर्टेब्रा हड्डी की बात करें तो आप एक न्यूबॉर्न चाइल्ड में हड्डी हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है नंबर में और जैसे जैसे वो एडल्ट होता है बड़े होने के दरम्यान वो क्या हुआ फ्यूज होकर के नंबर ऑफ जो बोन्स हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं दिस इज विलिस्टन्स लॉ एंड ही हैड स्टडीड द डेंटिशन ऑफ वट पे उन्होंने काम किया एंड नोटेड दैट वेयर एंसियंट एनिमल्स हैड माउथ्स विथ डिफरिंग काइंड्स ऑफ टिथ मॉडर्न कार्निवोस हैड इन सीजर्स एंड केनाइंस स्पेशाइज फॉर टीयरिंग एंड कटिंग फ्लेश वाइल मॉडर्न हर्वी वोर्स हैड लार्ज मोलर स्पेशलाइज फॉर ग्राइंडिंग टफ प्लांट मटीरियल्स तो ये चीज़ हम हर्वी वोर्ड्स कार्निवोर्ड्स इन सब के टिथ के बारे में जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ये भी एक कॉमन इवोल्यूशनरी ट्रेंड को दिखाता है इन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विथ सीरियली होमोलोग स्ट्रक्चर्स ये सब आप इसमें रेपेटाइल्स में, में कार्निबोर्ड्स मैमल्स में एंड दस नंबर्स एंड स्ट्रक्चर्स बिकम मोर डिफ्रेंसीटेड ओके सो दैट्स एंड इकोलॉजिकल रूल्स फॉर सर्वाइवल कल हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं ये सर्वाइवल से एक आध क्वेश्चन बनता है इकोलॉजी में इसलिए ये इंपॉर्टेंस के हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं ओके थैंक्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास ओके प्रशोन बाय एंड गुड नाइट